नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ केयर टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलायची खाने के संबंध में और उसके कुछ महत्वपूर्ण फायदों के संबंध में हैं। स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए इलायची के बीज, बादाम, पिस्ते और किशमिश को एक साथ भिगोकर महीन पीस लें। फिर इसे दूध में पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो मिश्री मिलाकर धीमी आंच में पकने दें। जब हलवा जैसा हो जाए तो सेवन करें। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ आंखों की रोशनी भी तेज होती है। ये पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों, स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके अलावा आपके हृदय स्वास्थ्य को सही रखता है इलायची। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर इलायची जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक सही पोषण है। इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम आपके रक्त, शरीर के तरल पदार्थ और कोशिकाओं का एक मुख्य तत्व है। इन आवश्यक खनिजों का प्रचुर मात्रा में आपूर्ति करके इलायची आपके हृदय रेट अर्थात हार्ट बीट को नियमित करने में मदद करता है और आपके रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। इसलिए अपने हृदय को स्वस्थ लाभ के लिए आप दैनिक भोजन में कम से कम एक इलायची को शामिल करें अथवा इलायची वाली चाय पीने की आदत डालें। और अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो इसे गर्म पानी में उबालकर भी पी सकते हैं। इलायची पाउडर है अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद। जी हाँ, अस्थमा से ग्रस्त मरीज खांसी, घबराहट, सांस की तकलीफ और सीने में जकड़न जैसे अस्थमा के लक्षणों से राहत पाने के लिए इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची फेफड़े के भीतर रक्त परिसंचरण को कर, सूजन से लड़कर और श्लेष्म झिल्ली अर्थात मरकस मेम्ब्रेन को शांत कर आसानी से सांस लेने में मदद करती है। इलायची की गर्म प्रकृति कफ के निष्कासन को बढ़ावा देने में सहायक और छाती में कंजेशन से राहत दिलाती है। कम मात्रा में इलायची का नियमित उपयोग अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप इलायची की चाय का सेवन भी कर सकते हैं या फिर इसके पाउडर को अपने भोजन में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इलायची भाप विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। यह काफी कारगर विधि है। इसके लिए भाप लेते समय गर्म पानी के बर्तन में इलायची के आवश्यक तेल की कुछ बूंदें डालें। इसके अलावा इलायची के औषधीय गुण बचाए कैंसर से। जी हाँ दोस्तों, इलायची में IC3 और DIM फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये स्तन, डिम ग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स के विकास को रोक लगाता है। इलायची का नियमित रूप से उपयोग कैंसर के इन रूपों को रोकने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि इलायची में निहित शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोलन कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। खांसी, जी हाँ दोस्तों, खांसी जैसी बीमारियों के लिए इलायची रामबाण औषधि है। इसके लिए आप तुलसी के पत्ते में अदरक, इलायची और लौंग को मिलाकर पान की तरह खा सकते हैं। इससे जल्द ही आपको आराम मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ मुंह के छाले के लिए इलायची मुंह के छाले को दूर करने में सहायक होता है। यदि किसी के मुंह में छाले पड़ गए हो तो बड़ी इलायची के दानों को पीसकर मिश्री में मिलाकर लें। मुंह के छाले जल्द ही गायब हो जाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, इलायची में मौजूद तत्व हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को न केवल मजबूत बनाने का काम करती है बल्कि अनेक बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को सहायता भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा पाचन में सुधार करने में सहायक है इलायची। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बदहजमी है तो यह टिप आपके लिए है। इसके लिए 2-3 इलायची, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी लौंग और धनिया के कुछ बीज लें। इन्हें अच्छी तरह से पीसकर गर्म पानी के साथ खाएं। यह अपच, सूजन और गैस के लिए तुरंत आराम पहुंचाने वाला उपचार है। माउथ फ्रेशनर, मुंह की दुर्गंध को समाप्त करना। यदि आपके मुंह से दुर्गंध आती है और आप उपचार की हर कोशिश कर चुके हैं तो एक बार इलायची अजमाएं। इस मसाले में एंटी बैक्टीरियल गुण, तेज स्वाद और भीनी सी महक है। साथ ही यह अंदर से आ रहे दुर्गंध को भी ठीक करता है क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को सुधारती है जो कि मुंह से आने वाले दुर्गंध के प्रमुख कारणों में से एक है। सुझाव, इसके लिए भोजन के बाद एक इलायची चबाएं। साथ ही अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और डिटॉक्सिफाई करने के लिए वैकल्पिक रूप से हर रोज सुबह इलायची की चाय पी सकते हैं। यह एक अच्छा आयुर्वेदिक माउथ फ्रेशनर है। इसके अलावा यह ज्वर अर्थात बुखार के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, 2 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर उबाल लें और काढ़ा बना लें। दिन में 2-3 बार यह काढ़ा पिएं। स्वाद के लिए आप चाहें तो इसमें चीनी और दूध भी मिला सकते हैं। इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इलायची एसिडिटी की समस्या को भी खत्म करता है। इसके अतिरिक्त यह भूख बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची का उपयोग करने से दांतों में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह मसूड़े स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं।